हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में अगेन डिस्कस करेंगे एस चांद क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम 31st नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। ठीक है, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, स्टेटमेंट दिया, उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, बैलेंस करना है बेटा। ठीक है, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो है बच्चों, उसका सॉल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा है और इसी के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दी है। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2 और ये किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। ये रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, ये बना रहा है बेरियम का सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। यहां पे लिखना है तो आप लिख सकते हो AQ और ये भी क्या है, AQ है। अच्छा एक सेकंड, मैं काम करता हूं इसको नीचे लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो क्या दे रखा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 और ये किस फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से Al2SO4 का होल थ्राइस और ये क्या बना रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्म कर रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या बन रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब कि AlCl3। ठीक है, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में अगेन है और ये हमारा प्रेसिपिटेट है। ठीक है, PPT। ठीक, आपको क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं एकदम अच्छे से? हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हमने क्या करा, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया, इसको बैलेंस करना है। देखो यहां पे बेरियम कितना, एक, इधर बेरियम एक, ठीक है, क्लोरीन यहां पर 2 और इधर क्लोरीन 3, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। अगर हम यहां पर 2 कर लेंगे तो यहां पर 4 क्लोरीन हो जाएगा और अगर 3 कर लेंगे, यहां पर अगर हमने 3 कर लिया तो 6 क्लोरीन हो गया। ठीक है, यहां पर 3 2 6 क्लोरीन हो गया और यहां पर 3 है तो यहां पर 2 कर लो, सिंपली यहां पर क्या करो, 2 कर लो, तो अब 6 क्लोरीन उधर भी हो गया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम चेक करो, यहां पर 2 एल्यूमिनियम, यहां भी 2 एल्यूमिनियम, यहां सल्फर 3 है यहां पर और ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12 है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है और सल्फर 1 है, तो सिंपली क्या करो, यहां पर 3 कर लो। ठीक है, अब एक बार सबको चेक करो, 3 बेरियम यहां पर, 3 बेरियम यहां पर, क्लोरीन यहां पर 6 और यहां पर 3 2 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम यहां पर 2 और यहां भी 2 एल्यूमिनियम, सल्फर यहां पर कितना है बच्चों, 3 है और इधर भी सल्फर कितना है, 3 है, ऑक्सीजन यहां पर 4 3 12 और यहां भी ऑक्सीजन 4 3 12, तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड इट डीकंपोजेस इनटू पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड एड द स्टेट सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कह रहा है कि जब हमारा पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर रहा है, इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो और साथ ही साथ स्टेट सिंबल्स भी राइट करना है यहां पर। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KNO3। ठीक है, KNO3 को क्या किया जा रहा है बच्चों, हीट किया जा रहा है, KNO3 को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, हीट करने के बाद ये क्या फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम नाइट्राइट
मतलब के NO2 बन रहा है, इसी के साथ ऑक्सीजन गैस बन रही है, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट किस फॉर्म में रहेगा बच्चों, सॉलिड के फॉर्म में, और इधर ये भी तुम्हारा पोटेशियम नाइट्राइड भी सॉलिड के फॉर्म में और ये गैस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर पोटेशियम एक, इधर भी एक, नाइट्रोजन इधर एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन यहां पर तीन, यहां पर टू और टू फोर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, यहां पर अगर टू करेंगे तो ये टू टू जा फोर टू सिक्स ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां क्या करो टू कर दो तो थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। एक बार फिर से सबको चेक करो, दो पोटेशियम दो पोटेशियम, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन और यहां पे टू टू जा फोर टू सिक्स ऑक्सीजन, तो ये केमिकल इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 33 नंबर का ए पार्ट कह रहा है, व्हाट इज मीन्ट बाय अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें बताई गई हैं कि केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल चेंज एक टाइप का, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करें, और वो प्रोडक्ट नया होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेन करना है तो आप बोल सकते हो कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर किसी भी प्रोसेस में दिख रही तो हम बोल देंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है हमारा वो प्रोसेस, ठीक है। एग्जांपल देना तो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स ले सकते हो, नाइट्रोजन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराएंगे N2 प्लस H2 तो ये बनेगा अमोनिया, ठीक है, बैलेंस बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है। कार्बन है हमारे पास, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है।